हरदोई धमाल चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? फारूक महबर। जनाब फारूक महबर साहब, शेरो शायरी का शौक तो इस नाचिस को बचपन से रहा और कई असातिज़ा से मैंने शायरी का फैज़ हासिल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। इब्तदाई दौर में हमारे उस्ताद गिरामी सलीम मोहम्मद सलीम गोपामवीर हैं, उसके बाद मैंने कस्बा ककराला में नूर ककरालवी से फैज़ हासिल करता रहा और उसके बाद मैं अपने कस्बे के नामी गिरामी शायर उस्ताद शायर वासी फारूकी साहब से रबते में आया और उनसे फन शायरी के गुलूम से। आपको किस तरह की शायरी पसंद है? शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें समाजी शायरी, सियासी शायरी और वो रुमानी शायरी, तीन शायरी उसमें जहन में हैं और मैं तीनों पे तबाज़माई करता रहता हूँ। तो कोई शेर सुनाए। हुब्बुल वतनी पे चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि जो है औरों में वो हमको अदाकारी नहीं आती, जो है औरों में वो हमको अदाकारी नहीं आती, हमें अपने मुखालिफ की तरफदारी नहीं आती, जो है औरों में वो हमको अदाकारी नहीं आती, हमें अपने मुखालिफ की तरफदारी नहीं आती और सबक सीखा है हमने जानिसारी का बुजुर्गों से, हमें अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं आती, हमें अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं आती। और चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि मरातिब छीन लेता है शराफत छीन लेता है, मरातिब छीन लेता है शराफत छीन लेता है और गलत बेटा बुजुर्गों की रिफायत छीन लेता है, मरातिब छीन लेता है शराफत छीन लेता है और गलत बेटा बुजुर्गों की रिवायत छीन लेता है। और शेर हाजिर कर रहा हूँ कि ना रखना बाहुनर सांपों को अपनी आस्तीनों में, न रखना बाहुनर सांपों को अपनी आस्तीनों में, हुनर रखता है जो दुश्मन कयादत छीन लेता है, हुनर रखता है जो दुश्मन कयादत छीन लेता है। और अगला शेर जहन में आ रहा है कि वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि मैं अपने खेत से घर शाम को वापस पहुँचता हूँ, मैं अपने खेत से घर शाम को वापस पहुँचता हूँ, मेरा हंसता हुआ बच्चा थकावट छीन लेता है, मेरा हंसता हुआ बच्चा थकावट छीन लेता है। चंद मिसरे जहन में आ रहे हैं कि देखते ही देखते पत्थर विनम, देखते ही देखते पत्थर भी नम होने लगा, वक्त अब तकदीर के कदमों में खम होने लगा, देखते ही देखते पत्थर भी नम होने लगा, वक्त अब तकदीर के कदमों में खम होने लगा और लम्हा लम्हा उनकी चाहत का भ्रम होने लगा, लम्हा लम्हा उनकी चाहत का भ्रम होने लगा और रफ्ता रफ्ता हम पे अब उनका कर्म होने लगा, रफ्ता रफ्ता उनका अब रफ्ता रफ्ता हम पे अब उनका कर्म होने लगा। और ये तजमीनी शेर हाजिर कर रहा हूँ कि किस खता पर जाने जा ऐसा सितम होने लगा, किस खता पर जाने जा ऐसा सितम होने लगा, दिन ब दिन अब लुत्फ तेरा हम पे कम होने लगा, दिन ब दिन अब लुत्फ तेरा हम पे। चार मिसरे हासिल कर रहा हूँ कि हवाओं में जब से हुनर आ गया है, हवाओं को जब से हुनर आ गया है, हवाओं को जब से हुनर आ गया है, दिए के निशाने के घर आ गया है, दिए के निशाने के घर आ गया है, मोहब्बत ने कांधे पे सर रख दिया है, मोहब्बत ने कांधे पे सर रख दिया है,
अहम फैसला मेरे सर आ गया है, अहम फैसला मेरे सर आ गया है। और दूसरी गजल के चार मिसरे हासिल कर रहा हूं कि चराग़े वफ़ा में लहू जल रहा है, चराग़े वफ़ा में लहू जल रहा है, मज़ा है कि तूफान भी चल रहा है, मज़ा है कि तूफान भी चल रहा है। ख्यालों में खुशबू सिमट आई तेरी, ख्यालों में खुशबू सिमट आई तेरी, गजल में तसव्वुर तेरा ढल रहा है, गजल में तसव्वुर तेरा ढल रहा। बहुत लमसम 10-12 साल पहले मैंने एक नज़्म कही थी जो कस्बा गोपामो की, कुछ उसमें फाटा खींचा है, हाजिर कर सकता हूँ कि मुसल्लत है हमारे शहर पे आसिफ सा, मुसल्लत है हमारे शहर पे आसिफ सा कोई कि रोशन हो न पाया है जमानों से दिया कोई, उदासी शहर की गलियों में खेमा जम हुई है ऐसे कि रौनक लौट कर आई नहीं कि शहर को अपने, हमारे शहर के खंडरात हम पे तंस करते हैं, जहां कल लोग रहते थे वहां तोड़ देते, अब हम पे शहर की देखी नहीं जाती जरूर वाली, इधर देखो जहां देखो नजर आती है पामाली, खिजा की और शायद कुछ अभी अय्याम बाकी हैं, अभी तख्लीक कारों के शहर में काम बाकी है, हमें सब्र तहमुल से अभी कुछ काम लेना है, सबक अपने घरों से और सुबह शाम लेना है, फसीले शहर भी ऐसे हमें मजबूत रखना है, हमें अपने दिलों को दोस्तों मजबूत रखना है, हमारे शहर के अतराफ में गुस्सा फलते हैं, हमें गुजरे समझ के आए दिन वो डसते रहते हैं, हमें अफसोस होता है कि जब ये बात सुनते हैं हमारे शहर वाले भी उन्हें भगवान कहते हैं। शुक्रिया सर। एक आपसे गुजारिश है कि एक और कोई तरन्नुम में सुना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलते चलते चार मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे सामने सागर है महे साकी है, हमारे सामने सागर है महे साकी है, हमारे मुल्क में अमन अमान बाकी है, हमारे सामने सागर है महे साकी है, हमारे मुल्क में अमन अमान बाकी है, बहुत ख्याल रहेगा वतन की रक्षा का, बहुत ख्याल बड़ी उम्मीद से बांधी किसी ने राखी है, बड़ी उम्मीद से बांधी किसी ने राखी है। और ये गजल के चंद अशआर हासिल कर रहा हूं कि मतला है कि एक नई सोच नई फिक्र की ईजाद करूं, एक नई सोच नई फिक्र की ईजाद करूं, खुद को इस वक्त की जंजीर से आजाद करूं, खुद को इस वक्त की जंजीर से आजाद करूं, जुरअतें हिम्मतें नाकाम हुई
जाती हैं, जुरातें हिम्मत नाकाम हुई जाती हैं, हाय किस मुंह से तेरे सामने फरियाद करूं, हाय किस मुंह से तेरे सामने फरियाद करूं, और इतने आंसू मेरी आंखों को इलाही दे दे, इतने आंसू मेरी आंखों को इलाही दे दे, उसकी यादों से हर एक रात को आबाद करूं, उसकी यादों से हर एक रात को आबाद करूं, और जख्म इतने तू मुझे दे कि अकेला न रहूं, जख्म इतने तू मुझे दे कि अकेला न रहूं, दर्द के साथ हर एक शाम तुझे याद करूं, दर्द के साथ हर एक शाम तुझे याद करूं। और इजाजत हो तो एक गजल और हाजिर करूं। मतलब है कि नहीं नहीं है ये तेरी मंजिल, नया नया तू सवार भी है, नहीं नहीं है नया नया तू सवार भी है, संभल के चलना रहे वफा में, चढ़ाओ भी है उतार भी है, नई नई है ये तेरी मंजिल, नया नया तू सवार भी है, तमाम तमाम महफिल में एक तू है, नजीर तू है, मिसाल तू है, जमाल भी है, कमाल भी है, क्या तेरा कुछ एतबार भी है, जमाल भी है, कमाल भी है, क्या तेरा कुछ एतबार भी है। और शेरा जी है कि ये माल दौलत ये जाह मनसब हमारे कदमों की गर्द है सब, ये माल दौलत ये जाह मनसब हमारे कदमों की गर्द है सब, खुदा हिफाजत करे हमारी, हमी पे इसका खुमार भी है, खुदा हिफाजत करे हमारी, हमी पे इसका खुमार भी है, ये तेरा लहजा ये तेरी बातें ये तेरी आँखें बता रही हैं, ये तेरा लहजा ये तेरी बातें ये तेरी आँखें बता रही हैं, कि इस जिहालत में तू यकीनन किसी हवस का शिकार भी है, कि इस जिहालत में तू यकीनन किसी हवस का शिकार भी है। और एक शेर और हाजिर कर रहा हूं, उसके बाद खत्म कर रहा हूं। बहुत ही रोएंगे एक दिन वो जो मेरी हालत पे हंस रहे हैं, बहुत ही रोएंगे एक दिन वो
खबर नहीं है उन्हें ये शायद खबर नहीं है खिजां के पीछे बहार भी है उन्हें ये शायद खबर नहीं है खिजां के पीछे बहार भी है। और मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूं, ये तेरी जुरअत ये तेरी हिम्मत अजीब है बतलिए हुए है, ये तेरी जुरअत ये तेरी हिम्मत अजीब है बतलिए है महवर, ये तेरी जुरअत ये तेरी हिम्मत अजीब है बतलिए है महवर, कदम ये तेरे बता रहे हैं कि तेरे पीछे गुबार भी है, कदम ये तेरे बता रहे हैं कि तेरे पीछे गुबार भी। महवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हरदोई धमाल चैनल पर आपने गजल सुनाई, शेर सुनाए, कथा सुनाए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।